हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स, तुहाडे को जिहड़ा हैगा अज आपां फरदर उस टॉपिक नूं अग्गे करांगे, मतलब साडा लैक्चर 10 हो जाएगा। सो इस विच जिहड़ा मैं क्वेश्चन करना ना, जिहड़ी मैं टाइप लिखण लग्गियां वो पेपर च 100% श्योर है, हर आल्टरनेट ईयर आउंदी है, इहदा मतलब 2020 च नहीं आई तां 21 च पक्का आऊगी। ठीक है, तो क्वेश्चन की हैगा तुहाडे कोल, क्वेश्चन ये हैगा और ये क्वेश्चन मैं तुहानूं दो तरीके नाल दस दिंदा वा इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है जी, सो इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करना है थोड़े को। अगर मैं मेथड नंबर 1 की गल करा, ये थोनू देना मैं करन, ठीक है। मेथड नंबर 1 च दे सवाल ही 3 बना लो, ठीक है जी। सो चॉइस रहेगी थोड़ी। हुण जिहड़ा हैगा ये हुण सपलिट कर लो, पहला नहीं सपलिट होएगा क्योंकि इहनूं 0 पुट करे ते 1 आंदा, तो 1 तो हैगा ही हैगा, सो पहला नहीं सपलिट होना, दूसरा सपलिट होगा 1 तो 2, 2 तो 4 dx नाल लिख लो। तीजा 1 तो 3, 3 तो 4, 1 तो 4 सपलिट कर लिया, पहला सपलिट नहीं होएगा, ठीक है जी। तो दूसरा वाला जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल वो सपलिट हो गया, ये सपलिट हो गया, ठीक है जी। सो 5 नूं इवैल्यूएट कर दो, ऐड कर लो, तुहाडा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तुहाडे ते छड्डिया। दूजा मैथड मैं डिस्कस करन जा रहा हाँ, वह शायद थोड़ा छोटा होवे, आंसर उस विच आ जाएगा। ये तो बाद मैं तुहानूं होमवर्क दे दिता, क्या मैं क्वेश्चन नहीं करना, नहीं मैं इन डिफरेंट वे ना करन लग्या वा तुहाडे को। एक सिर्फ एक आल्टरनेट दिता सी कि तुहानूं ऑलरेडी जो आंदा, तुहाडी ऑलरेडी जो नॉलेज है उस नॉलेज के उत्ते ही आपां नॉलेज नूं बिल्ड कर दिए तुहाडे को, ठीक हो गया जी। सो अगर तुसी इस तरह नहीं करना तो फिर आपां किदां करना है, ठीक है जी। दोबारा लिख लिए क्वेश्चन। सो क्वेश्चन हैगा जी 1 तो 4, 1 तो 4। सो इस क्वेश्चन नू अपा ने वन तो चार x-1 x-2 x-3 तो ये वाली चीज़ जी हैगी है थोड़े को। सो इस क्वेश्चन नू करन नू की करना, एक नंबर लाइन डालनी उते ते डिसकॉन्टीन्यूटीज लिख लेनी है, x=2 x=3, ठीक है जी। सो ये डिसकॉन्टीन्यूज लिख लिया हूँ तुहाडे कोल, हूँ आपने क्वेश्चन नू सबलिट करना है। क्वेश्चन नू सबलिट करना मीनस मैं ना ये एफ एक्स लिख लिया x-1 का x-2 का x-3 का मॉड है ना, ये लिख लिया। हूँ इस क्वेश्चन नू सबलिट किदा करना है, x<1 आ वाला पोर्शन, ठीक है, ये रीजन 1 रहेगा। दूजा पोर्शन 1 लैके 2 तक, तीजा पोर्शन 2 लैके 3 तक, चौथा पोर्शन 3 या 3 तो बड़ा। सो इदा आपने ये सपलेटिंग कर ली, और सपलेटिंग च देखो कुछ मिस तो नहीं होया, 1 तो छोटा सारा कवर है, यस 1 लै लिया, 2 तक कवर, अगे जाके 2 कवर कर लिया, 3 तक अगे 3 कवर कर लिया। इहदा मतलब पहला स्टैप तो यह देखना तुसी भी थोड़े किते भी कोई ऐसी चीज़ छड़ी ना जावे जिहड़ी क्वेश्चन है सारी लाइन कंटेन कर लेनी, कर ली। हुण मैं फंक्शन की वैल्यू लिखनी और वो किवें लिखूगी, अगर आपां तुसी 1 तो छोटे हो, ठीक है जी, तुसी अगर 1 तो छोटे हो तो इहदा मतलब x-1 इतों मतलब की निकलता, इतों मतलब यही निकलता कि x-1 नैगेटिव है। अगर तुसी इस पोर्शन चो
तो एक्स माइनस वन, मतलब मैं तो सिर्फ सोचने लिए कह रहे हैं एक्स माइनस वन नैगेटिव है। अगर एक्स विचों एक कटाए तो नैगेटिव होंगे, दो कटाए तो तीन कटाए तो वह सारा ही नैगेटिव होंगे। ठीक है जी, एक कटाए तो दो कटाए तो तीन कटाए तो यदा मतलब की होया, मतलब यह होया भी आ पोर्शन नैगेटिव है एक्स माइनस एक, एक्स विचों एक कटिया तो तुम नैगेटिव हो, तो यह मतलब थोड़ा आंसर आया आवा। ठीक हो गया जी, जे एक कटाए तो नैगेटिव है तो दो कटाए तो श्योरली नैगेटिव हो गए, जिन्हों एक रुपये का घाटा पै गया वो रो रहा तो दो वाला भी रोगा, सो तीन वाला तो उस तो नीचे जा रहा थोड़े को। सो आ ठीक है, ये हो गया। हुण तुसी एक तो वड्डे हो पर दो तो छोटे हो, यदा मतलब है कि जो एक्स चो एक घटूगा तो पॉजिटिव है, यदा मतलब पहली चीज़ पॉजिटिव है। ठीक है जी, पर दो तो हले भी छोटे हो, दो भी नैगेटिव है, तीन भी नैगेटिव है। हुण तुसी दो तो भी बड़े हो, फिर एक तो भी बड़ी होंगे तो पहला भी पॉजिटिव है, दूजा भी पॉजिटिव है, तीजा स्टिल तीन तो छोटे हो, तीन नैगेटिव, चौथा सब तो ही बड़े हो, सो सारे पॉजिटिव। बहुत छोटा तो यह भी नहीं बनना भी बंदा सोचे भी ये जमा ही सौखा है तो वह है, बट जे उत्थे बंदे नूं कोई बहुती समझ नहीं मैटर करती हैगी, सैपरेट किया तो सवाल करता, ये थोड़ी जी समझ मैटर करेगी। ठीक है जी, सो फरदर हुण आपां इसनूं कैलकुलेट भी करना है, माइनस एक एक्स माइनस दो एक्स माइनस तीन एक्स हो गया, प्लस एक प्लस दो प्लस तीन प्लस छे हो गया जी, अगर तुसीं एक तो छोटे हो। ठीक है जी, सो उस तो बाद जिहड़ा हैगा अगली बार आ गई, आ माइनस माइनस प्लस एक कटिया जाएगा तो आंसर की आ जाएगा माइनस, सो माइनस एक प्लस पाँच प्लस चार आ जाएगा। ठीक हो गया, एक्स लाइज बिटवीन वन तो दो, तीसरे च एक्स 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 एक एक्स रह जाएगा पॉजिटिव, दो पॉजिटिव एक घट जाएगा, माइनस एक माइनस तीन प्लस तीन सो एक कट ही जाएगा, लास्ट वाला तीन एक्स हो जाएगा माइनस छे हो जाएगा, ये दो तो तीन तक है, ये तीन तो बड़ा है। सो इस तरह क्वेश्चन नू सपलिट कर लेना है, इत्थे थोड़ी माइंड गेम है तो तुसी थोड़ा जिहा ख्याल रखना है, आ थोड़े कंस्ट्रेंट्स ने। ठीक है जी, सो आ थोड़े कंस्ट्रेंट्स ने, हुण थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा जिहा चंगे हालातों च आ गया, चंगे हालातों च आ गया का मतलब है कि एक तो छोटा, हुण आपां जदों नू तोड़ना है, मेरा तो क्वेश्चन सीगा एक तो चार, एक तो चार एफ एक्स सीगा, हुण आपां ने इसनू करना हैगा तुहाडे पास। ठीक है, एक तो चार है, इहदा मतलब लैस दैन एक वाला तो कम ना होया, एक तो चार है ना, तो तुसीं इहनू लैणा है इत्थों लैणा जी, एक तो दो, दो तो तीन, तीन तो चार, ये सबलिट करना है। सो तुसीं इहनू एक तो दो एफ एक्स लैणा, दो तो तीन एफ एक्स डी एक्स लेना, तीन तो चार एफ एक्स डी एक्स लेना। ठीक है जी, एक तो दो, दो तो तीन, तीन तो चार, तो एक तो दो एफ एक्स डी एक्स। ठीक है जी, एक तो दो एफ एक्स डी एक्स, तो आ देखो एक तो दो माइनस एक्स प्लस चार, सो आंसर आया माइनस माइनस एक्स प्लस चार। ठीक है जी, माइनस एक्स प्लस चार, उस तो बाद दो, दो तो तीन, ठीक है, उस अपने एक्स आया आ रहा दो तो तीन च एक्स है, तीन तो वड्डे तीन एक्स माइनस छे, सो तीन एक्स माइनस छे। ठीक हो गया जी, सो अगर ये चीज़ होगी तुहाडे कोल तां हुण आपां की करना हैगा, बहुता लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं का, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस चार एक्स, मतलब कंसनट्रेट बहुत ज़्यादा करना पैंदा है दे उत्ते तुहाडे कोल, मतलब अगर सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन आंदा है या फोर मार्क्स का आंदा तो टैक्नीकली फोर फ्री दे हैं, बट कैलकुलेशन वाइज फ्री दे बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन बच्चा कहता आता है, हर बंदा कहता आता है, पर तुसी अनसोल्ड दो क्वेश्चन बुक चो करके देख लो, दो एक चो एक लाजमी पहली बार जरूर गलत करोगे, मेरा ही नहीं पता भी सिरे आंसर आऊगा कि नहीं, अजे आंसर देना है अपने एक तो दो। ठीक है, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, चलो हुण आपां ने वैल्यूज फिल कर लो, दो भरिया
जो दो भरिया तो देखो ध्यान ना करो, इतने चार, चार डिवाइड किया दो, इतने अठ, तो आंसर आ गया छे। ठीक हो गया, लिख दा प्लस छे। ध्यान ना सुनो, इतने आ गया दो का स्केयर चार, चार दो ने डिवाइड किया नैगेटिव दो, नैगेटिव अठ, अठ विचों दो घटाए छे, माइनस माइनस आ वाला फोर माइनस वन बाय टू, सैवन बाय टू, पहली ब्रैकेट खत्म। पहला दो भरे मैं सोल्व कर लिया दो भरे ते, ठीक है। सो आ लो दो भरे ते दो का स्केयर बाय टू प्लस चार इंटू दो, माइनस भरना है वन बाय टू प्लस एक भरना सी फोर। सो इदा की सिचुएशन बनी है। सो अठ ते सत बटा दो आ गया, तो यह आ गया। सो मेरा पहले वाला पार्ट तो समझ लो हो गया, ठीक है जी। हुण आपां चलिए अगे, इहदे विच भी कोई दिक्कत नहीं कि नौ बटा दो माइनस चार बटा दो। सो ये भी कोई बहुत ही रौले वाली गलबात है नहीं। इहदे विच चार दा स्केयर है ना, चार दा स्केयर सोलह, सोलह ते अड़ताली, अड़ताली डिवाइड बाय दो चौबी। सो इहदे विच चौबी माइनस चौबी तो पहली ब्रैकेट च है, दूजी च की होया? हाँ जी, चौबी माइनस चौबी तो दिस रहा है ना, ये तो अपर पार्ट है ना सिर्फ, चौबी माइनस चौबी माइनस लोअर वाले च। इतने तीन का स्केयर आ गया थोड़े को नौ, नौ तीन सताई, सताई बटा दो आ गया जी, ठीक है। तीन तीन का स्केयर नौ, नौ तीन सताई, सताई बटा दो, तो माइनस जोड़ा हैगा थोड़े को अठारह आ गया। ठीक हो गया जी। सो मेरा ख्याल है इन्ना लंबा चौड़ा चक्कर है जोड़ा थोड़े को समझ आ गया। जो समझ आ गया हूँ तुम जरा ध्यान न देखियो, छे माइनस सत्त बटा दो हैगा थोड़े को, है ना, तो ये आ गया थोड़े को बारह, पाँच बटा दो आजगा, बारह माइनस सत्त पाँच बटा दो, ये सीधा ही दो ही है, ये भी पाँच बटा दो आ गया, ये जीरो आ गया। अठारह दूना छत्ती माइनस नौ प्लस नौ बटा दो आ गया, सो उन्नी बटा दो थोड़ा आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। सो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान नाल समझना है थोड़े को, तो जोड़ा हैगा ये अगर आप क्वेश्चन कर लैने तो इस टाइप कोई भी क्वेश्चन थोड़ा नहीं रुकेगा, गरंटी है इस चीज़ की, ठीक है जी। जिहड़े क्वेश्चन बेस्ट टाइम बुक्स के मैं सारे जिहड़े हैगे दो तीन किताबा रख के भाई आ इस चो कराना, आ इस चो कराना है, उस तरह क्वेश्चन करा रहे हैं, इस करके कोई बहुत ही लंबी चौड़ी चक्कर वाली गलबात है नहीं। लो जी, एक क्वेश्चन होर इस टाइप च, मतलब थोड़ा फर्क है, मतलब टाइप यही है, सवाल इस तरह का नहीं है, बनूगा। सो माइनस वन तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स। हाँ जी, ठीक हो गया जी। अगर इदा की सिचुएशन आ जाए की करना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, कि इन पहला फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, अगर मैं इस प्रोडक्ट देखा तो माइनस थ्री, सम देखा तो दो, तो आपने फैक्टर किदा बनाने ने थोड़े को बन गए, थोड़े को सम दो हो गए, तो यदा मतलब तीन और, हाँ जी एक और तीन देख लिए, इनू दो गुणा करिए माइनस तीन आ जूगा, तो ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस तीन, ठीक है, जीरो भी कर लो इन मोटे, आपको पता लग जाता है डिस्कॉन्टिन्यूटी कितने आओ, एक्स प्लस थ्री, सो एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, या तो एक्स की वैल्यू वन आती है या माइनस थ्री आती है। माइनस थ्री साड़ी चिंता का नहीं है कंसर्न, साड़ा नहीं है कारण, माइनस तीन गेम ही नहीं है, माइनस तीन गेम ही नहीं है, यह मतलब टुटनी तो बनते है, टुटनी तो बनते है। सो इसनू असी इस फंक्शन नू लिखिया, पहला तो फैक्टराइज फॉर्म च ही लिखते हैं, एक्स माइनस वन तो एक्स प्लस तीन डी एक्स। सो एक्स माइनस वन, माइनस वन तो थ्री, ठीक है, तो डी एक्स एक चीज़ क्या सिग्निफाई कर रही है, ठीक है, ये कह रही है कि सपरेट कर दो, सपरेट पार्ट सपरेट करने लगे वन ही लेना,
माइनस थ्री का तो ये बिच आनी चाहिए है ना, प्रॉपर्टी यही कह रही है तो बिच तो फिर आही आऊगा ना। सो स्टेप नंबर वन तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए, ठीक है जी। सो इस चीज़ पर आपने फोकस कर लेना जी, थोड़े को भी आ चीज़ जी हैगी है किस तरह है, माइनस वन तो वन है, एक्स माइनस वन तो जोड़ा है तो पास एक्स प्लस थ्री जोड़ा है थोड़े को आ गया, तो इसमें असी सपलिट कर लिया। सब तो मेन चीज़ की है सानू सपलिट तो पता होना चाहिए कि हैगा थोड़े को। हूँ अगर मैं इस सपलिट न देखा तो अगर मैं माइनस वन और वन दे बीच हाँ, ठीक है जी, तुसी ध्यान नाल देखियो जी की करना आप। अगर मैं माइनस वन तो वन बीच हैगा वहाँ थोड़े को, तुसी इन्हों दो नू अलग अलग सैपरेट भी कर सकते, मतलब एक स्टैप तुसी होर लिख लो, कन्फ्यूज़ नहीं होगे। माइनस वन तो वन इनू अड रख लो, इनू अड रख लो, वन तो थ्री इनू अड रख लो, इनू अड रख लो। हुण अगर तुहाडा अगले पेज ते लिखदा जी मैं, सो माइनस वन तो वन सो माइनस वन तो वन एक्स माइनस वन, ठीक है, थोड़े को जड़ा हैगा तो आ वाली चीज़ ले लीजिए अपने। तो अगर तुसी एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन और वन करते हो तो माइनस एक इस चो घटा देंगे हो, यदा मतलब एक्स माइनस वन का मॉड नैगेटिव ऑफ एक्स माइनस वन। पर जे तुसी आही लेंदे हो तो तुम तीन ऐड कर दो तो चार तो छोटा, यदा मतलब आ वाली चीज़ पॉजिटिव ही है, एक नैगेटिव एक पॉजिटिव मूहरे नैगेटिव बार फैक्टर बनाए ही इस करके सी बाद, चाहे तुम सीधा ही यूज़ कर लो उन्हों। पर अगले स्टेप विच एक्स लाइज बिटवीन वन टू थ्री है, तो एक्स माइनस वन लाइज बिटवीन जीरो टू टू, जे प्लस तो इस तो अगे ही जाऊगा थोड़े पास, तो यह मतलब एक्स माइनस वन का मॉड, ये तो चाहे चेक ही ना करो क्योंकि यदा तो पॉइंट ही नहीं आया वे, इसने तो जाना ही नहीं गा थोड़े को, देख लो करके जो थ्री ऐड करूँगे इतने फोर हो जाएगा इतने सैवन हो जाएगा। हाँ जी, सो अगर आप वन तो थ्री जावेंगे तो दोनों चीज़ें पॉजिटिव, सो फैक्टर्स का आ वाला रोल सीगा तुहाडे कोल कि तुहानू दिखाण लई भी किदां, अदरवाइज फैक्टर नू की हुण करनी तो गुणा ही पैनी है, तो जे गुणा करनी पैनी उही आऊगा जिहदे फैक्टर बनाए सी। तो अल्टीमेटली ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस तीन ये नेगेटिव आ जूगा, सो वन तो थ्री ये पॉजिटिव आ जूगा। सो ये वाली चीज़ होगी जी, तो ये वाली चीज़ होगी तो एक्स क्यूब बाय थ्री टू एक्स स्क्वायर बाय टू एक्स क्यूब बाय थ्री, ठीक है जी, टू एक्स स्क्वेयर बाय टू माइनस थ्री एक्स, ठीक है जी, माइनस वन टू वन, ठीक हो गया जी। तो अगला वाला जड़ा हैगा है वन तो थ्री एक्स क्यूब बाय थ्री टू एक्स स्क्वेयर बाय टू माइनस थ्री एक्स, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पेज पे चलिए, दोबारा लिखता हूँ एक बार, माइनस बार है एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस थ्री एक्स, सो
सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इत्थे जिहड़ा है 1/3 आएगा प्लस 1, इसनूं इस नाल कट दित्ता -3, ये आ गया पहला भरे ते माइनस, दूजा की भरोगे -1/3 आ जाएगा, इत्थे +1 ही आना क्योंकि स्केयर नाल फर्क नहीं पैणा, इत्थे +3 आना। ये पहली ब्रैकेट का हल है। दूजी ब्रैकेट पहले 3 है, 27/3 9, इन्हें इसमें कैंसल हो जाना, तो फिर -9, क्योंकि देखो ना नहीं प्लस ही आएगा, इत्थे 27 इत्थे तो प्लस ही है, माइनस होना आएगा अपर, सो लोअर 1/3 प्लस 1-3। हाँ जी ध्यान ना देखो जी, 27/3 9, ठीक है, 3 का स्केयर 9, 3 × 3 9। हुण आपां देखिए जी अपना आंसर क्या आया। कैलकुलेशन बहुत ध्यान ना करनी पैंदी, सारी गड़बड़ हो जाती है। -2 आजूगा, 3 × 2 = 6, -5/3। दोबारा देख लो जी, आ 3 × 1 -2 आ जाएगा ना, आ वाली चीज़ -2, 3 × 2 = 6, -1 घटाया -5, उस तो बाद 4 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 4 - 1/3 है, 11/3 आ जाएगा पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव, सो ये आ गया 9 माइनस, ठीक है, इत्थे की आ जाएगा -2 आ जाएगा, -5/ ये प्लस हो जाएगा, सो 3 -2 आ जाएगा, और आ -2 आ जाएगा, -6 - 5/3 +5/3, सो 5/3 एक बारी इतों, एक बारी इतों, +11/3 +9, सो 11 × 10 = 21/3 +9, 9, 7, 7। सो ठीक है जी, सो मेरा ख्याल है तुसी हुण इस तरह के क्वेश्चन भी आराम नाल जिहड़े हैगे कर पाओगे तुहाडे कोल, ठीक है। मैं तुहानूं क्वेश्चन लिख के दिंदा वां तुहाडे कोल, तां इस क्वेश्चन नूं करके फिर मैनूं दसणा भी आंसर की आंदा है, क्वेश्चन की है, क्वेश्चन भी लिख दिंदा, हिंट भी लिख दिंदा, ते जे तुसी कर लिया समझ लो आ प्रॉपर्टी भी तुहानूं बहुत अच्छी तरह क्लीयर हो। सो एक्स कॉमन कढ लईए, ठीक है ना, अगर मैं x कॉमन कढूंगा तो x² - 1 होएगा, तो जे एनू लिखूंगा हुण एनू 0 पुट करूंगा, ये 1 पुट करूंगा, -1 - 1 तीजे करके कोई स्प्लिटिंग नहीं होनी हैगी, ए 0 पुट करूंगा तो ए 0 मिल सकता है, इत्थे x = 1 मिलेगा, इत्थे x = -1 मिलेगा, सो -1 दा तो कोई रोल ही नहीं, सो -1 तो 0 जाएगा, फिर 0 तो 1 जाएगा, फिर 1 तो 2 जाएगा, इतने बस एफ चुन लेना पॉजिटिव है कि नैगेटिव है, तुहाडा क्वेश्चन हो जाएगा 11/4 इहदा आंसर, ठीक है जी। सो ध्यान ना करना, बड़े आराम नाल क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी, थैंक यू।